सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल का आइकन भी दबाइए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज का अपना वीडियो जुड़ा हुआ है जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2016 में, उसका पेपर नंबर 1 पीआरटी का जो पेपर होता है आज हम वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। ये देखिए भाग 1 है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो सीटेट सितंबर 2017 पेपर नंबर 1 पीआरटी। प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थियों के संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? चार विधियां हैं, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों बिल्कुल ये पहला ही सही है इसमें। प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तीसरा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और चौथा, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 3, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तीन ऑप्शन है, तीन में से फिर चूज करने हैं कौन से दो या कौन सा एक सही है। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, बी और सी, तीनों सही हैं। ये अगर हम बात करें तो बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। प्रश्न नंबर 4, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो ऑप्शन है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो इसका उत्तर दूसरा ही है दोस्तों, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। प्रश्न नंबर 5, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? चार ऑप्शन है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। दूसरा है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी। तीसरा है, उनमें चिंता और डर पैदा करके। चौथा है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो चार ऑप्शन है, चारों में से जो पहला है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। प्रश्न नंबर 6, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दूसरा है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तीसरा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। चौथा है, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, व्यक्तिशास्त्रिक अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन और शारीरिक दंड। चार ऑप्शन है, चारों में से जो पहला है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, विकास का शीर्षपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर 9, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रारंभिक बचपन का समय।
प्रश्न नंबर 10, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी संतान निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, विद्यालय और पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 12, लेव वायस्कोकी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो चार ऑप्शन है, चारों में से जो चौथा है वो बिल्कुल सही है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। प्रश्न नंबर 13, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन है अच्छा लड़की, अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो दोस्तों इसका उत्तर है अच्छा लड़की, अच्छा लड़का अनुकूलन। प्रश्न नंबर 14, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। प्रश्न नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। चार ऑप्शन है, सामायिकीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेश और अनुकूलन के रूप में। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, समावेशन और समायोजन के रूप में। प्रश्न नंबर 16, किसी प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सूक्ष्म बनाता है जो समावेशन को उत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रश्न नंबर 17, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धिजीवियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। दूसरा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तीसरा है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। चौथा है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। प्रश्न नंबर 18, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जान पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा और लेव वायस्कोकी इसे खोजबीन मानेगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2, जान पियाजे और लेव वायस्कोकी इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तीसरा, जीन पियाजे और लेव वायस्कोकी इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। चौथा है, जीन पियाजे इसे अहकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वायस्कोकी इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को निर्धारित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, बिल्कुल लास्ट वाला है, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 19, लिंग क्या है? सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना। तो दोस्तों इसका उत्तर है सामाजिक संरचना। प्रश्न नंबर 20, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित,
प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर है सहयोगी प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 21, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। प्रश्न नंबर 22, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि वह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। दूसरा है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, मतलब फीडबैक प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका उत्तर चौथा ही है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका इनमें से क्या है? तो इनमें से है सुविधा दाता, इसका ऑप्शन है दूसरा सही। प्रश्न नंबर 24, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की उपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती है। तो दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर 3, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। प्रश्न नंबर 25, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की उपेक्षा रखता है, यह काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, इसमें से तो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। प्रश्न नंबर 26, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। चार ऑप्शन है एक बार फिर से आपके सामने, सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, दूसरा गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, तीसरा गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं, चौथा सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। प्रश्न नंबर 27, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तीसरा है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। चौथा है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह बहुत ही तनक मिजाजी होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। चौथा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रश्न नंबर 29, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है? तो ऑप्शन है, अपने शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देके, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। प्रश्न नंबर 30, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी सी ओ डी। प्रश्न नंबर आ गया है अगला, अब आ गया है अगला भाग जो कि है भाग नंबर 2, गणित पार्ट 2, मैथमेटिक्स।
प्रश्न नंबर 31, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों के इस संकल्पना को कैसे समझेंगी? स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। दूसरा है, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तीसरा है, उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। चौथा है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम उत्पन्न न हो। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। प्रश्न नंबर 32, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? 4 कथन है आपके सामने, आपको देखना है कौन सा इसमें सत्य नहीं है। प्रतिचित्रण अनुपादिक विवेचन और को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तीसरा है, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। चौथा है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 33, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? कोण, सममिति, चौपड़, प्रतिरूप, पैटर्न। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, कोण। प्रश्न नंबर 34, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। इनमें से आपको देना है सही विकल्प। इन 4 में से कौन कौन से सही हैं हमें देखना है यह। तो दोस्तों ABCD ये चारों बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर है पहला। प्रश्न नंबर 35, एक दिए गए हुए आयत को समानांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने के लिए किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है? पहला है पैमाने के प्रयोग से, दूसरा है जियोबोर्ड के प्रयोग से, तीसरा है आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से और चौथा है कागज मोड़ने के प्रयोग से। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, आले ग्राफ पेपर के प्रयोग से। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला, गणित को बच्चों के जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। दूसरा, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। तीसरा है, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। चौथा है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। प्रश्न नंबर 37, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। तो दोस्तों कितना अंतर है? तो यह अंतर है 493। प्रश्न नंबर 38, यदि 300,28 = 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस खालिस्तान दहाई, तब रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी? तो रिक्त स्थान की संख्या होगी 200। प्रश्न नंबर 39, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त क्षेत्रफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त क्षेत्रफल से भाग किया जाता है, तब भागफल है, तो क्या भागफल बचता है? तो इसका उत्तर है 8। प्रश्न 40, यदि 603 × 28 = 63 × 4 × खालिस्तान, तब रिक्त स्थान की संख्या है, तो रिक्त स्थान की संख्या है 67। प्रश्न 41, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज प्लस 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणखंड बराबर है। तो दोस्तों इसका आंसर है चौथा, 120। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है,
इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो अंकों का गुणनफल होगा 12। प्रश्न 43। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से दो तिहाई लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के दो तिहाई खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है, तो उन लड़कों की संख्या है 30। प्रश्न नंबर 44। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया था, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की क्या राशि होगी? तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी 1,121 रुपए। प्रश्न नंबर 45। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगभग कितना समय लगा? दोपहर को 1:15 बजे चली है और अगले दिन सुबह 7:30 बजे पहुंची है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 घंटे 15 मिनट। प्रश्न नंबर 45। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके? सेकंडों की संख्या के। तो दोस्तों इसका उत्तर है 6 घंटे। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। वहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या क्या है? तो दोस्तों सारे को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 15 लीटर 286 को भी मिलीलीटर में, 19 और लीटर और 714 इसको भी मिलीलीटर में, दोनों मिलीलीटर में कन्वर्ट करके इन दोनों को जोड़ लीजिए। उसमें से फिर 12 लीटर 750 मिलीलीटर इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करके इसमें से घटा लीजिए। बाकी जो जितना भी मिलीलीटर बचे उसको 250 से भाग कर दीजिए, तो आपके पास बोतलों की संख्या आ जाएगी, जो भी होगी 89। प्रश्न नंबर 48। फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे दिए गए हैं। खरबूजा 18.5 रुपये, चेरी 72 रुपये, अंगूर 120 रुपये 60 पैसे, सेब 78 रुपये 40 पैसे। रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और एक सही 3/4 केजी सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले? तो दुकानदार ने उसको कितने रुपए वापस दिए? तो दोस्तों दुकानदार ने उसको 163 रुपए वापस दिए। प्रश्न नंबर 49। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर × 0.4 मीटर × 0.25 मीटर है, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1280। प्रश्न नंबर 50। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। उसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है बराबर है उसके घन के आयतन जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। दूसरा है 10 का शतांश 0.1 है। 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर है 55.55 लीटर। 2005 बराबर है 2.005 केजी। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर है 55.55 लीटर। प्रश्न नंबर 52। दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी आवश्यक है? गुणन की क्रय विनियमन, गुण गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, योग का क्रम विनियम गुण। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, गुणन योग पर वितरण के रूप में। प्रश्न नंबर 53। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, कक्षीय कक्ष के अनुभव। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, लैंगिक भेद। प्रश्न नंबर 54। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा, जियो बोर्ड। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, ग्राफ पेपर। प्रश्न नंबर 55। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि वे दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है?
तो इसमें संख्याओं को बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन वृद्धि को प्रदर्शित करके ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके चौथा है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। प्रश्न 56, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो इसका उत्तर है पहला। प्रश्न नंबर 57, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतः विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जो सही ऑप्शन है वो तीसरा, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। प्रश्न 58, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और या जियो बोर्ड। प्रश्न नंबर 59, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्यता। प्रश्न नंबर 60, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। उनके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अब आ गया है अपना भाग नंबर 3, एनवायरमेंटल स्टडीज, पार्ट 3, पर्यावरण अध्ययन। तो शुरू करते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन और आंसर। प्रश्न नंबर 61, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चदुकृत निर्मित किया गया है में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं का स्थान निर्धारित है करने में विद्यार्थियों की सहायता करना बिल्कुल सही है ये। दूसरा है एक बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है, यह भी ठीक है। तीसरा, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। चौथा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, नंबर 4। प्रश्न नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, चौथा है आकलन की एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बिल्कुल ये चारों बिल्कुल सही है। पहला है इसका उत्तर नंबर 1। प्रश्न नंबर अगला है 63 से 65, इनके लिए निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। प्रश्न नंबर है इसके हिसाब से ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बिल्कुल सही है ये चौथा। प्रश्न नंबर 64, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। प्रश्न नंबर 65, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, दूसरा है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बताइए, तीसरा जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, चौथा है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, क्या
होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, पंजाब। प्रश्न 67, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। तो आपको इसका करना है मिलान। मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, बिल्कुल। और राजस्थान, राजस्थान में होते हैं पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी से बनी होती हैं। ये है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। आसाम, आसाम में बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और लद्दाख, लद्दाख में घर बनते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका उत्तर है दूसरा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 68, पशुओं के लिए त्वचा के विविध पैटर्न उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। प्रावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 69, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो यह जनादेश दिया गया जल जंगल अधिकार अधिनियम 2007। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से मच्छर द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये मच्छरों के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 71, घटपर्णी पौधा भारत में नहीं पाया जाता, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तार तत्व की ध्वनियां निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका हुआ होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। प्रश्न नंबर 72, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, आंवला, पालक और गुड़ में आयरन काफी मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 73, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे तो कहाँ से आए थे? ये आए थे दक्षिणी अमेरिका से। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? बया, कलचिड़ी, फाख्ता, शकर खोरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है फाख्ता। प्रश्न नंबर 75, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है स्लाथ। प्रश्न नंबर 76, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, चील, गरुड़ और गिद्ध। प्रश्न नंबर 77, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस स्थान पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है झूम खेती। प्रश्न नंबर 78, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुकूलिया कैसे कर रहा है? दोस्तों इसका उत्तर है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुकूलिया करके। प्रश्न नंबर 79, परिवार एक इकाई होता है,
जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा तो परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 80, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन को पाचन में सहायता करता है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय और अभ्यधर्मी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बड़ा इजी, तो ये होता है अम्लीय। प्रश्न 81, कक्षा तीन के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों, पौधों और पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पंक्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां, शिक्षक के समूह, ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। दूसरा है, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग करते हैं। तीसरा है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है और इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, बिल्कुल सही है ये। प्रश्न नंबर 82, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो पहला है, दूसरा है और चौथा है। ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं एक में, तो इसका उत्तर है एक। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो हमें वो एक कथन बताना है, बच्चे दूसरों बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। दूसरा है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा। प्रश्न नंबर 84, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है, कागज, पेंसिल, परीक्षण, मौखिक प्रश्न, प्रश्न निर्धारण, मापनिया, दंत कार्य। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, निर्धारण, मापनिया। प्रश्न नंबर 85, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह सही है। प्रश्न नंबर 86, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो ये प्रयोग के आकलन की संभावना नहीं है। प्रश्न नंबर 87, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो दोस्तों कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? दूसरा है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? तीसरा है, मेरी शक्तियां क्या थी? चौथा है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए चार चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होता है, शिक्षक के द्वारा समग्र आकलन, बच्चों के स्वभाव आकलन, स्वयं आकलन, शिक्षकों का स्वयं आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। प्रश्न नंबर 89, 89, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 90, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पहलुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य इनमें से क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, ए, बी और सी। तो दोस्तों
ये 90 क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए थे सीटेट सितंबर 2018 में, जो लेवल वन का पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था, पेपर वन जिसको हम कहते हैं, उससे जुड़े हुए। तो दोस्तों कुल 150 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, जिसमें से हम 90 आपके लिए लेके आ गए हैं, 60 क्वेश्चन बाकी रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो हो रहा है काफी लंबा, इसीलिए आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और हम इसको दे देंगे भाग नंबर एक या पार्ट नंबर वन की संज्ञा दे देंगे, और अगला भाग नंबर दो इससे जुड़ा हुआ भी बड़ा ही जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए अगर आपको और वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल, एक घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, आप कोई भी वीडियो जो यहाँ से अपलोड हो उसको मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।